अमीर का ही उनका ध्यान है, अमीर का ही ऊपर ताकते हैं, गरीबों को ऊपर नहीं ताकते हैं। मेरे नजर में यह लगते हैं, सीना तान कर आगे बढ़ता हूँ, कभी भी गोली खाऊंगा तो सीने पे, पीठ पे नहीं। यहाँ यंत्र मंत्र पर मैं आया हूँ रामविलास जी का, आपके जो है सो आपके जो मांग है उनका, भारत के रत्न बनाने का जो है मांग है। मैंने वहां से सुना, मैं यहां से दौड़ कर आया। मैं भी बहुत पहले से जिज्ञासा रखे थे इस बात को, क्योंकि रामविलास जी, मैं 65 वर्ष की उम्र का हूं, उन्होंने पहला संसद मेरे यहां से बने थे। संसद बनने के बाद ही, मंत्री बनने के बाद भी हमारे गांव-गांव जाया करते थे, उन्होंने गरीबियों की खटिया पर भी बैठा करते थे। वह गरीबी से, गरीब परिवार से जो आए थे, गरीब का दर्द को जानते थे। एक एक आवाज, एक एक काम उन्होंने गरीब का, विकास का उठाने का काम किया। आप भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, जी जी जी, आपको लगता है जिस समाज से वो आते हैं आसानी से मिल जाएगा उनको? क्या आसानी से मिल जाएगा? मैं कहता हूँ आसानी से ही मिल जाएगा, लेकिन ये बात जान लें, या आसानी से नहीं मिल पाएगा, या धरना बंद नहीं होगा, आसमान झुक सकता है, इस मांग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह जनता की, सारे जनता की आवाज है। मैं अपने भाषा का लेखक भी हूँ, हंस कवि से जाने जाता हूँ, मैं चप्पा चप्पा जाता हूँ, सारे लोग जनता का जो आवाज है, यह आवाज या आसान नहीं रहेगा, इसलिए जहाँ से मांग है जिनको, उनको देना पड़ेगा। बाबा साहब को इतना टाइम लगा दिया इन लोगों ने भारत रत्न देने में, ये तो रामविलास पासवान जी, इनको कैसे दे पाएंगे? अच्छा, समझ गए, रामविलास जी भी समाज को उठाए थे, उन्होंने दिलाए थे, और जो दिलाए थे और मांग किए थे, उन्होंने आवाज इन्हीं का देन है, जो उनको मूर्ति बनाया गया। वो लोग जो है सो जो है ऊपर वाले ऐसा करना नहीं चाहते हैं, गरीबों पर ध्यान नहीं दिया करते, गरीबों पर ताका नहीं करते हैं, इसलिए यह आवाज जो उठा है, यह सभी आदमी के एक एक चप्पा चप्पा के नजर में है, यह आवाज को रुकेगा कभी नहीं, आसमान झुक सकता है, यह आवाज रुक नहीं सकता। आपने कुछ लिखा भी है? मैंने लिखा हूँ रामविलास जी पर, मैंने लिखा हूँ उनके कार्यकाल का, मैंने देखा हूँ उनकी कार्यकाल से। मैं न कहता ठाकुर सुहाती, और बता रहा हूँ आपको सच्ची बाती, भया न कोई मंत्री ऐसा तो भारत में रामविलास पासवान जी के जैसा। चल समय का रेल मंत्रालय बना दिए हाजीपुर जोनल कार्यालय, छोटी लाइन सब दियो उखारी, अब बड़ी लाइन में दियो सवारी, हजारों लोगों को उन्होंने किया था बहाल, और सभी परिवार भय खुशहाल, और जन जन पर था उनका आस, जुग 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 भाई रामविलास, अमर रहे रामविलास। गैर प्रभारी दूर संचार, आ घर घर में टेलीफोन तार, आ तार रजिस्ट्री भयो लापाता, आ कितना कर्मठ वह विधाता, कई एक महापुरुषों पर उन्होंने डाक टिपी लगाई, अब बिहार के गौरव को दिया बढ़ाई, सारे गली गली में किया विकास, जुग 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 भाई राम विलास। अरे मरा हुआ था कोयला खान, उन्होंने चंद फुनट में फूका जान, घाटे सबको किया सफाई, कई करोड़ का उन्होंने नफा लाई, सारे असुविधा को किया नाश, जुग 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 भाई राम विलास, अमर रहे राम विलास। आइए उर्वरक इस बात, इस विभाग के मत पूछू बात, इसमें भी उठाए बहुत बड़ा धमाल, आ टैक्स फ्री कर दिया कमाल, आ सुन लो बिनती जग के लाल, एक बार PM कलाना बना देला रहा, हे भगवान। मैंने उनके बारे में लिखा हूँ, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, लोगों का गरीबी में है, गरीबी में पूछते हैं कि हमारे गरीब को कोई आवाज नहीं सुनेगा, मैं सारे को कहता हूँ, अगर तुम अपने को गरीब पूछते हो तो जान लो जो भैरू कितना है। गरीबी में शरीफों का शराफत कम नहीं होता, सोना के तो टुकड़ा हो जाए फिर भी उसका कीमत कम नहीं होता। मैं नहीं, अपनी भाषा का लेखक होने के नाते मैं पूरे चप्पा चप्पा हर दिन देश के अंदर में चाहता हूँ, लड़का लड़की को मन से पढ़ाएं, परिवार को शिक्षा में आगे बढ़ाएं, और शिक्षा का क्या स्थिति है, मैं इसमें लिखा भी हूँ, बाप कहैया बेटा पढ़ैया, केना जनैया जो की करैया, 8 बजे अ तो लड़का सुत के उठैया, आ खैनी खा ला लुसपुस करैया, मुँह हाथ न धोलक चाह पियैया, आ 9 दिन है ला विद्यार्थी केना कर जियैया, पढ़े जाइया तो रास्ता में लड़ैया, मार पीट सक लगता गाड़ी पढ़ैया, पढ़े के नाम पर कन्नी कटबैया, TV सिनेमा में उठल रहैया, बाप माई के बात बउआ कुछ न बुझैया, आजकल के बउआ के उल्टे सुझैया, अब बउआ से पूछू तो 7वां में पढ़ैया, अब 20 के पहरा में 30 बार कुथैया, लिखे चलिए बहुत हम दूसरे लाइन चार लाइन बोलेंगे। दूसरे पन्ना में सास पुतो लिखे कि लड़की भी आखरी है, लड़की को भी कहते जब मन से पढ़ाइए, समाज में जो महिला पढ़ी लिखी न है, शिक्षा के अभाव में बेटी पर पुतो पर अटक बोलिया, गहत का शिक्षा के अभाव में, मैं शहर के देहात के रहने वाला हूँ, देहाती भाषा में ही बोलता हूँ, तो लड़की को मन से पढ़ाइए। एक दिन आएगा पुतोहिया आटा सन लगे, आटा कुछ गिल्ला
हो गए। अरे गिल्ला आटा के रोटी तवा पर खिलाओ, रोटी जरल जरल निकलैया। ससुईया पढ़ल लिखल न रहे, ऑंठ के बोल गहत के पुतोहिया पर, शिक्षा के अभाव में ऑंठ का कथी बोल रहा पुतोहिया पर। एमे लिखल है एक किलो आटवा में सान दिल, तीन किलो पनिया, कहाँ तक के पढ़ल लिखल हता है कनिया। कैले छ गुमान हम अति पढ़ल, तवा से रोटी निकाल जरल जरल आ छोड़ दिल चूल्हे पे पर दूधवा पझायला, उघारे छोड़ भंसा के बैठ गए बतियाल, पी गलो दूधवा के पूरे बिलाई, आ सास तनी बोलल त तू करे लगल लड़ाई। हे हे खड़ा छ दे बाल तक छ चूढ़निया, कहाँ तक के पढ़ल लिखल आ गल हमारा कोख में कनिया। त लड़की को मन से पढ़ाइए, ससुईया पढ़ल लिखल है तो इटका बोलिया गहत का, यह लड़की पढ़ेगी लिखेगी भविष्य में सास बनेगी कि नहीं बनेगी। तैया पढ़ा लिखा सास होगी, बुढ़िया सास नहीं पढ़ेगी। आप लोग लड़की को मन से पढ़ाइए, हमने दो पन्ना में लिखा है लड़की को पढ़ाने के लिए, फिर लिखे हैं। अच्छा से बता रहा हूँ, अच्छा से पढ़ा हो बउआ, ये भी लिखे हैं, देखिए उसका हेडिंग है अच्छा से पढ़ा। काम कर ऐसा जग में हो तो नौवा हो, मन लगा के खुपरिया मर बउआ हो, वो टीवी सिनेमा पर मौन चस्कल, कॉपी किताब से दिमाग हो घसकल, पापा मम्मी से पैसा मंगई छा, चॉकलेट के दुकान पर शिकार कर दई छा। एहो हम दो प्रणाम लिखे हैं, मेरा नंबर भी है मोबाइल नंबर 97719 और 37187, मेरा पूरा पता लिखा हुआ है इस पर है, देखिए पूरा पता है 97719 और 37187 मेरा मोबाइल नंबर है। कैसा लगा जो वर्तमान सरकार है उस पे क्या विचार है? क्या वर्तमान सरकार के मैं मोदी सरकार के बारे में मैं क्या कहूं? उनका नजर गरीबों पर न है, है किस पर नहीं, उनका नजर ज्यादा करके अमीरों पर है, अमीर का ही उनका ध्यान है, अमीर का ही ऊपर ताकते हैं, गरीबों को ऊपर नहीं ताकते हैं। मेरे नजर में यह लगते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे लगता है किसी के बारे में चेहरा मैं देखता हूँ, सच्चाई की पता लगाता हूँ, फेस द गेट ऑफ माइंड, चेहरा पुकार करता है, मैं वास्तविकता उठाता हूँ, मैं चल देता हूँ, मैं कवि हूँ, मेरा रचना करना मेरा काम है, रचना करना मेरा काम है, इसलिए कि मैं स्वतंत्र हूँ, सच्चाई के लिए चप्पा चप्पा जाया करता हूँ। समय की कमी है, यहाँ पर भारत रत्न मांग रहे हैं, 9 बार के सांसद, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, भारत रत्न नहीं मिलना या मिलना एक अलग मुद्दा हो गया। हाँ, पद्म भूषण तो दे दिया ना हमारा, पद्म भूषण मिला कि नहीं? भारत का सर्वोच्च सम्मान, मेरा भी समय की कमी है। लेकिन एक सवाल और बोल लिया जाए, आपने कहा वो अमीरों के सुनते हैं, वो तो कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं फकीर हूँ। अच्छा अच्छा, जी जी जी, कहना कुछ और है आ करना कुछ और है। जो लोग ज्यादा चलाक होते हैं बुझैया, जो हमारा बारे में कोई पेट के बात न जानल, कुछ लोग कहते कुछ है आ करते कुछ है, इसलिए अभी लोग विकास कर गया है, समझने की शक्ति सब में आ गया है, वास्तविकता पेट की बात लोग जान जाते हैं, उसी से आवाज उठाते हैं, यह सच्चाई है। इसी पर मैं वाणी को विराम दूंगा। मेरा परिचय जानते हैं? नहीं बताइए। मेरा परिचय जान लें? हिंदू कहूँ तो मारिए, मुसलमान हूँ नहीं, 5 तत्व का बना हुआ पुतला हूँ, मानव का चोला पहने हुए कवि गया प्रसाद यादव मेरा नाम है, महुआ प्रखंड जिला वैशाली बिहार में ही पड़ता मेरा मकान है। लेकिन अनैतिक धारा का विपरीत दिशा चलना मेरा काम है, ऐसे ही महानुभाव से मिलने का जोहता बांटूं, सच्चाई और त्याग का पढ़ता पाठ हूँ, समृद्धि पर सटल हूँ, अपने सिद्धांत पर बिल्कुल अटल हूँ, जान रह जाए चले जाए, सफलता मिले सफलता मिले कोई बात नहीं है, मैं देश तिरंगा के लिए, गरीब जनता के लिए, शिक्षा सुधार करने के लिए, ऐसे भी विचार रामलीला जी जैसे विचार वालों के लिए मैं सीना तान कर आगे बढ़ता हूँ। कभी भी गोली खाऊंगा तो सीने पे, पीठ पे नहीं, मरूंगा तो सांसों का से, सौर में से नहीं। समय की कमी है, आप लोग सब एक सवाल बोलिए, कहा जा रहा देश में नफरत फैल रही है, आप भी मानते इस बात को? आज क्या देश में नफरत फैलाई जा रही है, आप मानते इस बात? यह फैलाई जा रही है या देखने को मिलेगा, यहाँ से आप मेरे सामने आए उसे नहीं पता चलेगा। गाँव गाँव चप्पा चप्पा जाइए, मेरे पास अध्ययन इसलिए हुआ है कि मैं गाँव गाँव चप्पा चप्पा लेकर के इस विषय को जाता हूँ। समय कम है, मैं आपको लोगों को सभी को कुछ देना चाहता हूँ। आप बोलिए तो सभी आदमी को मैं क्या दूँ, बोलिए मैं क्या दूँ, मेरे पास न रोड़ी है न चंदन है, समय का काफी बंधन है, और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। फिर मिलने के बाद और लोगों से पूछताछ।